नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से हटाना है, जिसके लिए ही सरकार ने बिहार की जनता से अपने इस कार्यकाल में नौकरी की बहार लाने का विश्वास दिलाया था। वहीं अब सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग में 4,353 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसकी जानकारी बिहार के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विभाग में 2 महीने के अंदर 4,353 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 1,767 अमीन और 536 राजस्व कर्मचारियों की बहाली की जाए। हालांकि कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए भूमि संबंधी सभी कामों को ऑनलाइन किए जाने की बात कही गई है। विभाग में कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग इसी कोशिश में है कि अक्टूबर महीने तक बहाली को पूरा कर लिया जाए। इसको लेकर विभाग ने 20 जिलों में भूमि सर्वे के काम को शुरू करवा दिया है, जिसमें 90 अंचलों में 208 शिविर बनाए गए हैं, जहां सर्वेक्षण कर्मी काम में लगे हुए हैं। बाकी के सभी जिलों के 130 अंचलों में शिविर गठन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भूमि सुधार उपसमाहर्ता को पत्र देकर 30 कार्य दिवस के अंदर म्यूटेशन वादों के निपटारे का आदेश दिया गया है। वहीं एक बार भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाए, फिर चकबंदी की तैयारी की जाएगी। हालांकि वर्तमान माहौल को देखते हुए हाई टेक्नोलॉजी के साथ विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। आलम यह है कि टेक्नोलॉजी के रास्ते पर चलने से किसान दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमीन का रसीद अब कटवा सकते हैं। इतना ही नहीं, विभाग ये भी कोशिश कर रहा है कि अच्छे काम करने वालों को भी इस काम के लिए सराहा जाए। यही कारण है कि विभाग अपनी तरफ से अधिकारियों को पुरस्कृत करने वाला है। बहरहाल सरकार की योजनाओं को सही ढंग से करने की विभाग की तैयारी तो है ही, साथ ही इस काम में बाधा उत्पन्न करने वालों पर भी नजर है। यही कारण है कि विभाग ने पहले ही भूमि का अतिक्रमण करने वाले पदाधिकारियों को नहीं बख्शने की बात कही है। इस बात का ध्यान इस तरीके से रखा जाएगा कि किसानों की जमीन का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अंचल में सीओ का काम आसान करने के लिए एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति होगी, जो वाहन से फील्ड में भूमि संबंधित विवाद का निपटारा करेंगे। भ्रष्ट पदाधिकारियों को नवंबर 2020 तक 8 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही 24 पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग में भी बंपर बहाली निकाली गई थी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।